नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कदम की मैं सराहना करती हूँ। इतिहास के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि भंसाली एक जिहादी है जो चलचित्र के माध्यम से जिहाद फैलाता रहता है। पहले भी इसने महान योद्धा बाजीराव पेशवा को आशिक के रूप में प्रदर्शित करा, उनकी पत्नी काशी को नाचता गाता दिखाया और अब इसने पद्मावती जैसी जौहर करने वाली महान रानी को घूमर नृत्य करते हुए दिखाया है। मतलब हद हो गई। ये कोई तरीका है, कोई ढंग है? महान इतिहास के साथ छेड़छाड़ हिंदू समाज और राष्ट्रभक्त जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी सेंसर बोर्ड से अपील है कि इस फिल्म को रिलीजिंग सर्टिफिकेट ना दे, और अगर सर्टिफिकेट देती है और ये फिल्म रिलीज होती है तो इसके जो करोड़ों संख्या में जन भावनाएं आघात बैठी हैं, उनका जो प्रतिशोध का फल होगा उसका पूरा पूरा जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की होगी। इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रदर्शित करने की कोशिश और हमारी जो आने वाली संतानें हैं और जो पीढ़ियां हैं उनको विकृत इतिहास परोसने की जो कोशिश है, इसे हम सफल नहीं होने देंगे। मतलब देश के गद्दारों को आप, उनके चरित्र को आप महान दिखा रहे हो और हमारे लोगों को कमजोर दिखा रहे हो, क्यों उनके आगे पीछे नाचते थे। इस तरह की जो साजिश है इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये साजिश सफल भी नहीं हो पाएगी, कामयाब नहीं हो पाएगी। इस देश की युवा शक्ति और जो लोग हैं बहुत समझदार हैं और पूरी युवा शक्ति जाग उठी है। देश भर में जितनी प्रतिशोध की आवाज़ें आ रही हैं इसका जीता जागता प्रमाण है। इस फिल्म को बिल्कुल प्रदर्शित ना किया जाए, मेरी आप सबसे अपील है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।